सरदारपुर थाना अंतर्गत ग्राम रिंगनोद के कंजरोटा के पास ऑटो पार्ट्स व्यवसायी युवक गोपाल की संदिग्ध अवस्था में पैर के पंजे कटी मिली लाश में सरदारपुर पुलिस ने हत्या के खुलासे के बाद भी परिजन एवं समाजजन खुलासे को लेकर संतुष्ट नहीं है। लोगों की माने तो मृतक के शव मिलने के दौरान उसके पैर के पंजे कटे हुए थे, जिससे मामला संदिग्ध लग रहा है। मृतक गोपाल की मौत का पुलिस प्रशासन द्वारा पूरा खुलासा नहीं किए जाने की बात कही जा रही है, जिसके चलते परिजनों और समाजजनों ने सरदारपुर SDOP ऐश्वर्य शास्त्री और विधायक प्रताप ग्रेवाल को ज्ञापन सौंपा और मृतक की हत्या के आरोप में पकड़े आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर पूरे मामले में खुलासा करने की मांग की है। अंदाजा लगाया जा सकता है, यदि आरोपी कर्मुक्त हो गए तो भविष्य में अन्य किसी के साथ ऐसी घटना हो सकती है। ये ज्ञापन गोपाल मृतक जो है वो मेरे साले हैं, तो उनकी मौत का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। और किस कारण की वजह से उसकी हत्या हुई है ये कारण भी हमें बताया नहीं जा रहा है। पुलिस द्वारा हमें ये सूचना दी जा रही है कि आपस में शराब पीकर कुछ झगड़े हुए थे, झगड़ा किस बात को लेकर हुआ ये कारण हमें स्पष्टकरण से दिया जाए। उसके मृतक के गोपाल के जो पांव में कटे हुए पंजे वो अभी तक पुलिस ने बरामद नहीं किए, तो क्यों नहीं किए? या तो पुलिस उनसे सही ढंग से पूछताछ नहीं कर रही है या कुछ और बात है जिससे पुलिस हमें सूचना नहीं दे रही है। पहले बताया गया कि मृतक गोपाल का किसी के साथ में जो है प्रेम प्रसंग वाला मामला वो उनने दर्शाया, तो इस तरह कोई मामला नहीं है, इस तरह का मामला है, इसीलिए तो पुलिस हमसे